हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से RN45 एजुकेशन में। आज आप सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे आज। तो जैसे कोई संख्या दे देते हैं 11449, 11449 इसका निकालना है भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब राइट साइड से जोड़ा बनाने के बाद ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में एक है। अब एक से नौ तक का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर फोर, तीन का स्क्वायर नाइन। तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए एक एक लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक लिखेंगे। ठीक है, तो एक गुणे एक कितना आएगा, एक एक के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे। तो एक में से एक घट जाएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे, एक यहाँ पे एक गया है तो एक यहाँ पे लिख देंगे, एक बार गया है इसको जोड़ेंगे, एक एक दो। ठीक है, अब नेक्स्ट जोड़ा क्या है, चौदह है, चौदह उतार लीजिए। ठीक, अब जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लिख दी तो यहाँ पे भी एक लिखना पड़ेगा। तो इक्कीस एक्कम इक्कीस हो जाएगा। अब इक्कीस चौदह से ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक लिखने पर ही ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जीरो। तो ज़ीरो लिख दीजिए, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बीस में जीरो जोड़ेंगे तो बीस ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा क्या है, उनचास है, उनचास उतार लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से वही जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया एक, तो यहाँ पर भी एक लिखना पड़ेगा। तो 201 हो गया, 201 में एक का गुणा करेंगे 201 आएगा। ठीक है, यानी अभी बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, उनचास, उनचास छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, सात का स्क्वायर 49 हो रहा है। तो सात लिख के देखिए आ रहा है, तो एक मिनट में मिटा देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ से एक मिटा दीजिए, यहाँ से भी मिटेगा। ठीक है, अब कितनी बार ले जाना है, सात बार। तो सात बार ले जाइए। अब यहाँ पे लिखेंगे सात, तो यहाँ पे भी लिखेंगे सात। अब यहाँ पे 207 हो गया। अब 207 में सात का गुणा कर दीजिए, गुणा करना आता है। सात सत्ते 49, चार बचेगा, सात शून्य शून्य चार, सात दूनी 14, यानी सात 207 गुड़े सात 1449 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर तो घटेगा। ठीक है, अब इधर कोई संख्या बची ही नहीं है इधर, अब तो अब आपका हो गया। ठीक है, तो आपका वर्गमूल क्या आ गया, 107। तो यहाँ पे वर्गमूल क्या आया है, 107, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप लोगों को चेक करना है सही है कि गलत, तो क्या कर दीजिए, 107 आया है तो 107 में 107 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करिए, सात सत्ते 49, चार बचेगा, सात शून्य शून्य चार, सात एकम सात। अब यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, ज़ीरो का गुणा करेंगे तो तीन बार ज़ीरो लिख देंगे। यहाँ पे डबल क्रॉस लगाएंगे, अब एक सत्ते सात, ज़ीरो एक एकम एक, गुणा करना आप लोग जानते हैं कैसे करना है। यहाँ पे आएगा नौ, फोर सात सात चौदह, बचेगा एक, यहाँ पे लिखेंगे एक, तो आपकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी, यानी आपका उत्तर जो है वो सही है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर संख्या है 11449 तो सबसे पहले राइट साइड से जोड़ा बनाएंगे। ठीक, उसके बाद ऐसे कर देंगे। ठीक है,
अब एक से नौ तक का स्क्वायर आप लोगों को आता ही है, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर फोर, दो का स्क्वायर यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए एक बार ही ले जाएंगी, ठीक है। तो एक एक कम एक, इधर तो घटाना है इधर जोड़ना है, यही एक यहाँ पे ले जाके जोड़ दीजिए। अब दूसरा जोड़ा उतारेंगे तो अब यहाँ पे एक बार लिखेंगे तो इक्कीस कम इक्कीस ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए भाग जाएगा ये, तो यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। ज़ीरो लिख के अगला जोड़ा उतार लेंगे तो अब जाएगा सात बार, ठीक है। सात बार ले जाएंगे तो 207 गुणे 207 तो आ जाएगा 1449। 1449 इधर क्या करना है, घटाना है तो इधर ज़ीरो कट जाएगा इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 107। तो भाग विधि से वर्गमूल में बस यही करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कक्षा 8 गणित से है, अभ्यास 2C से पहले एग्जांपल नंबर 20 है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।